हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो ये जॉब सीरीज का तीसरा पार्ट है और इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्मवेयर इंजीनियर्स और इम्बेड सिस्टम इंजीनियर्स की। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है और दोनों क्या काम करते हैं और किन किन एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं और हमारे चिप से कैसे रिलेटेड है, जो हमने चिप बनाया था लास्ट, एक्चुअली बनाया नहीं था, मैंने आपको बताया था बनाते कैसे। तो और लास्ट में हम बात करेंगे कि आपको अगर एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियरिंग या फर्मवेयर इंजीनियरिंग में जाना है तो आपको किन किन सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा और कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने दो लेक्चर्स में देखा था कि फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि जो बेसिक दो टाइप्स के कैटेगरीज हैं जॉब्स में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर इंजीनियरिंग में हमने देख लिया था कि VLSI इंजीनियरिंग आता है, वहाँ पे चिप मैन्युफैक्चर होता है, फिर एक PCB डिजाइन इंजीनियर्स है, देन टेस्टिंग इंजीनियर्स है, तो वो सब इंश्योर करते हैं कि वो चिप अच्छे से चल रहा है। उसके बाद क्या होता है ये हम देखेंगे। तो उसके बाद आपके पास एक चिप है तो चिप को एक्सेस करना है। अब आपको सबसे बड़ी चीज है कि चिप का एप्लीकेशन क्या है। ओके, तो आपने चिप तो बना दिया बट आप उसको क्या हार्डवायर से तो थोड़ी करोगे कि स्विच ऑन ऑफ, वहां पे स्विच लगाओगे और जाके बार बार ऑन ऑफ करोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो आप कैसे करते हो, उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेस करते हो। तो वो हार्डवेयर के ऊपर एक सॉफ्टवेयर का लेयर बनाया जाता है, एक कोड लिखा जाता है। बेसिकली ये कोड C++, पाइथन, जावा, किसी में भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कंपनी। तो ये आप कोड लिखते हो और आप कोड में इंश्योर करते हो कि ये जितने भी आपके पिन्स हैं, जितने भी आपके कंट्रोल्स हैं, वो सब आप मैप करते हो उस कोड में। तो इसका मतलब क्या है, हम ये अच्छे से देखेंगे। तो ये जो लेयर है, ये जो कोड लिखा जाता है हार्डवेयर के ऊपर डेडिकेटेड, इसी को बोलते हैं फर्मवेयर। तो ये सब कोड लिखा है तो ये सॉफ्टवेयर है। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर ही है, बट फर्मवेयर क्यों बोला जाता है, क्योंकि हार्डवेयर का डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है। मतलब इसको हम बार बार उठा के यहां से वहां, इस कोड को हम किसी दूसरे हार्डवेयर के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। और तो और सॉफ्टवेयर हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप देखते होंगे एंड्रॉइड का अपग्रेड आता है, OS का अपग्रेड आता है, हर ऐप का अपग्रेड आता है, आते ही रहता है, अपडेट्स आते ही रहते हैं। बट जो फर्मवेयर है वो बेसिकली इतने अपडेट्स नहीं रहते हैं उसके, मतलब पहले तो कुछ भी अपडेट नहीं, एक बार हार्डवेयर का फर्मवेयर लिख गया तो वो हार्डवेयर के लिए डेडिकेटेड है, तो इसलिए उसको फर्मवेयर बोलते हैं, बिकॉज वो ऐसा सॉफ्टवेयर जो फर्म रहता है, जो बार बार चेंज नहीं होता है। बट अब अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी फर्मवेयर भी अपग्रेड्स होने लगे हैं, कंपनीज बोलने लगी है आप फर्मवेयर अपग्रेड कीजिए। तो अब जानेंगे बेसिकली फर्मवेयर होता क्या है। तो फर्मवेयर, अब मैंने जैसे बोला कि एक हार्डवेयर के ऊपर का लेयर है जिसमें हम कोड लिखते हैं, तो फर्मवेयर क्या क्या करता है। फर्मवेयर में बेसिकली क्या होता है, अब आपके पास एक चिप है, चिप में कुछ रजिस्टर्स होंगे। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रिकल सर्किट वाला रजिस्टर नहीं, ये रजिस्टर है, आप समझ लो। जैसे आपने पापा वगैरह को ऑफिस में देखा होगा ना, वो रजिस्टर पे काम करते थे, बही खाता लिखते थे या कुछ इस तरह से, तो वो रजिस्टर। तो यहाँ पे भी जो रजिस्टर है वो बही खाते लिखने का ही काम करता है, मीन्स डेटा सेव करता है। अब ये किसी भी तरह का डेटा सेव कर सकता है, आप कंट्रोल सिग्नल का डेटा सेव कर सकता है। लाइकवाइज अगर आपके पास एक चिप है, चिप में ढेर सारे फंक्शनैलिटीज हैं, ठीक है, बट अभी आपको सिर्फ एक ही फंक्शनैलिटी चाहिए उस चिप से, तो आप क्या करेंगे, वो फंक्शनैलिटी के लिए इनेबल सिग्नल उसका ऑन करेंगे और बाकी के जितनी फंक्शनैलिटीज हैं उसको डिसेबल करेंगे। तो आपको ये रजिस्टर में डेटा सेव करना पड़ेगा ना, कि आपको जो बिट वन है उसको वन करना है और बाकी सारे बिट्स को जीरो करना है। मतलब ये बिट्स क्या डिनोट करते हैं, इनेबल एंड डिसेबल डिनोट कर रहे हैं। तो वो जो डेटा सेव होगा वो रजिस्टर में कहीं सेव होगा कि आपको क्या करना है, तो उसको राइट करना, रीड करना, एक्सेस करना। ठीक है, ये रजिस्टर आपके चिप के अंदर है। रजिस्टर मतलब फ्लिप फ्लॉप समझ लो, मतलब कुछ डेटा एलिमेंट है। अदर टाइप्स ऑफ भी मेमोरी है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, रैम रोम, ये सब है, अभी उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो फ्लिप फ्लॉप समझ लो, तो फ्लिप फ्लॉप में कुछ डेटा सेव है। अब मुझे उस डेटा को चेंज करना है, अगर तो अब मुझे दूसरा ब्लॉक ऑन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां का डेटा चेंज करना पड़ेगा। तो ये चेंज हम कैसे करेंगे, वहां जाके कुछ तो स्विच ऑन ऑफ तो नहीं करेंगे, तो हम ये फर्मवेयर को बोलेंगे कि भैया आप कर दो, क्योंकि आपके पास उस रजिस्टर का नॉलेज है, आपको पता है कि कौन सा रजिस्टर किससे मैप है। ठीक है, तो हम
फर्मवेयर में क्या रहता है, पूरे रजिस्टर्स की मैपिंग रहती है, मतलब कौन सा रजिस्टर कहाँ है, किसमें कौन सा डेटा है, ये उसको पता रहता है और आप उसको चेंज कर सकते हो। तो मतलब ये डायरेक्टली हार्डवेयर से लिंक है। अब बताओ ये डायरेक्टली हार्डवेयर से लिंक है तो ये फर्मवेयर उठा के हम कहीं दूसरी जगह डाल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वहां के रजिस्टर एड्रेस कुछ दूसरे होंगे। तो इसलिए जो फर्मवेयर है ये डेडिकेटेड रहता है, इसको हम उठा पटक नहीं कर सकते हैं। ओके, इसलिए फर्म रहता है। अब बात करते हैं कि फर्मवेयर इंजीनियरिंग हो गया, मतलब हार्डवेयर को आपने एक छोटा सा लेयर बना दिया जिससे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर्स की। एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर क्या करता है, ये उससे एक लेवल ऊपर का काम करता है। तो अब सपोज आपके पास एक चिप है, अब उसमें ढेर सारे एप्लीकेशंस करने हैं आपको चिप को। तो एक होता है, एक आपने टर्म सुनी होगी माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, बेसिकली एक चिप है। ओके, जो कि 8085 आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं है। 8085 जैसे इंटेल है अभी, उनके ही ऐसे दादा परदादा थे 8085, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था। नहीं, उसके पहले 8080 और भी आए थे, बट खैर ये सबसे पहला फेमस माइक्रो प्रोसेसर था, टू बी प्रिसाइज। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, बट वो माइक्रो प्रोसेसर है और उसमें क्या है, पिन्स वगैरह निकले हुए हैं। अब हमको बार बार उसमें वायर लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो यार ये फीजिबल नहीं है। तो उसमें क्या किया, उसमें पेरिफेरल्स लगा दिए, पावर सप्लाई लगा दिया, मतलब उसमें अलग अलग पेरिफेरल्स लगा दिए उसको एप्लीकेशन करने के लिए, और उससे क्या बनाया, माइक्रो कंट्रोलर। ओके, तो माइक्रो कंट्रोलर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर को जब भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म में लाना है तो माइक्रो कंट्रोलर बनाते हैं उसका। तो माइक्रो कंट्रोलर जैसे 8051, उसमें क्या 8085 माइक्रो प्रोसेसर है। तो ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, ये एक समझ लो एक छोटा सा एम्बेडेड सिस्टम ही तो है। अब एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई वगैरह करते हैं, मतलब जेम्स को क्या करते हैं, कपड़ों पे एम्बेड करते हैं, उसको नकाशी करते हैं, नगीने डालते हैं जेम्स में, जेम्स को डालते हैं कपड़ों में। तो यही सेम कॉन्सेप्ट एम्बेडेड सिस्टम में भी है, छोटे छोटे जो भी आपके चिप्स हैं, सर्किट्स हैं, उसको क्या करते हैं, बोर्ड पे एम्बेड कर रहे हैं, ठीक है, सबको एक जगह ला रहे हैं बोर्ड पे। अब हमको क्या करना है, उसको एप्लीकेशन करना है वो सारे चीजों का। तो उसके लिए एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर कोड लिखता है। अब सपोज सबसे फेमस है अभी चल रहा है आर्म प्रोसेसर, तो आर्म प्रोसेसर क्या करता है, वो सिर्फ प्रोसेसर बनाता है, ठीक है, मतलब आर्म कंपनी। अब जो बाकी के जो लोग हैं, जैसे एप्पल है, एप्पल भी आर्म प्रोसेसर यूज करता है, एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉर्टेक्स आते हैं। तो ये सब जो है, ये उस प्रोसेसर को लेके अपना एक बोर्ड बनाते हैं, जिस माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड बोर्ड बनाते हैं। अब ये जो बोर्ड है उसमें बेसिकली एडीसी, डीएसी ये सब रहेंगे, और भी अदर पेरिफेरल्स रहेंगे, यूआरट रहेगा, कुछ इंटरफेसेस रहेंगे। अब एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर क्या करता है, उसको कुछ तो एप्लीकेशन करना है, उसको सपोज अपना डेटा को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करना है, या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करना है, या जो भी करना है। तो अब एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर क्या करेगा, वो माइक्रो प्रोसेसर को बोलेगा कि भैया मुझे आपका एडीसी एक्सेस करना है, करने दो। तो एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर कोड लिखेगा एडीसी का। अब ये जो उसने कोड लिखा कि उसको एक्सेस करने दो, अब ये खुद एक्सेस नहीं कर सकता है, ये कौन एक्सेस करवाएगा उसे, फर्मवेयर, क्योंकि प्रोसेसर के ऊपर एक फर्मवेयर है, वो उसको रजिस्टर मैप देगा। ओके, और वो जाके वहां का डेटा चेंज करेगा और एडीसी डीएसी इनेबल करेगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस, एम्बेडेड इंजीनियर्स कमांड देते हैं, फर्मवेयर ऐसे लिखा जाता है कि वो फॉलो होता है। तो फर्मवेयर लिखने के बाद वो क्या होता है, कुछ लाइब्रेरीज दिए जाते हैं एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर्स को कि ये लाइब्रेरीज आपको यूज करना है, जिसमें बेसिकली APIs होते हैं। API क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। अब नाम ही पता है, प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब ऐसा कोड जो आपको इंटरफेस कर रहा है किसी दूसरे चीज से, सपोज आपने लिखा सेंड, ओके, तो सेंड तो क्या है, सेंड का मतलब कुछ भी हो सकता है, सेंड का कोड आप रिसीव के वे में भी लिख सकते हो। तो सेंड में इतना बड़ा कोड रहेगा, सिर्फ सेंड के अंदर इतना बड़ा कोड रहेगा जो कि फर्मवेयर इंजीनियर्स ने लिखा हुआ होगा, कि जैसे ही आप सेंड बोलोगे ना फर्मवेयर इंजीनियर को, मतलब फर्मवेयर को, तो वो फर्मवेयर जो आपका सॉफ्टवेयर ही है, वो ये कमांड एग्जीक्यूट करके वो आपका काम करेगा, डेटा सेंड कर देगा। तो इस तरह से ये लेवल्स हैं सॉफ्टवेयर में। तो एम्बेडेड इंजीनियर्स कमांड देता है, फर्मवेयर उसको रिसीव करता है और उसको हार्डवेयर से इंटरैक्ट करवाता है, ठीक है। अब आपने
डीएसी को एक्सेस कर लिया, अब आपको बोलना है कि मुझे ये डेटा बाहर चाहिए तो यूआर्ट से बाहर चाहिए, तो आपको यूआर्ट को एक्सेस करना पड़ेगा, तो यूआर्ट को इनेबल करने के लिए फिर से कुछ कमांड लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से पूरे कोड का एप्लीकेशन करने के लिए एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर ये इस तरह से कोड लिखता है। तो ये इसको ये बोर्ड वाले जो ये बोर्ड को एक्सेस कर रहे हैं तो इसको बेयर मेटल एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर्स बोलते हैं। और भी अदर टाइप के एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर्स हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में नहीं बात करेंगे, बेसिकली बस ये दोनों चीज को समझाने के लिए था। और भी आप जो भी सेक्टर चूज कर लो इलेक्ट्रॉनिक में, हर जगह एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर्स है, बिकॉज कहीं पे भी कमांड देना है, कहीं पे भी आपसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से कुछ करवाना है तो आपको एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर लगने वाले। वॉशिंग मशीन देख लो यार, बटन दबाया मशीन चालू, मतलब एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर का काम है, ठीक है। तो एम्बेडेड में ना एक अलग से वीडियो तो बनता ही है कि नहीं, क्योंकि ये इतना बड़ा सेक्टर है ना कि अथाह है, अनंत है, मतलब काम करते रहो एम्बेडेड में और टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो बट इसके लिए क्या चाहिए आपको, अब ये बताता हूँ। अब इसके लिए आपको चाहिए सी, जिससे थोड़ा बहुत तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर डरते ही है, क्योंकि आपको कमांड देना है। कमांड देना है मतलब बेसिक कमांड लैंग्वेज तो चाहिए कंप्यूटर का, जो कि है सी। अब सी आपको आ गया ना तो आप बेसिक लैंग्वेज अदर सीख सकते हैं, ठीक है। सी एक बार सी आपका पक्का हो गया ना, क्योंकि मैंने जहां तक देखा है अपने दोस्तों के लिए भी, उन्होंने ऐसे जावा पाइथन ये सब उतना सीखने पे ध्यान नहीं दिया था, बस सी सीखा, ठीक है। सी अच्छा से पक्का कर लो एकदम बेसिक्स। इंटरव्यू में आपसे ये नहीं पूछते आपको ये लैंग्वेज आती है कि नहीं, आपको प्रोग्रामिंग आती है कि नहीं, आपको एल्गोरिदम आता है कि नहीं, ठीक है। एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एल्गोरिदम आ गया तो आप किसी भी लैंग्वेज में उसको ढाल सकते हो, है ना। तो सी पक्का कर लो, फिर कंपनी में जाकर आपको चेंज करते हैं कि आपको मतलब पाइथन में कंपनी काम कर रहा है, जावा में काम, मतलब इतने लैंग्वेजेस आप कितना सीखोगे यार, इसलिए सी पक्का कर लो। थोड़ा सा आपको माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर का भी नॉलेज चाहिए, बिकॉज आपको आर्किटेक्चर्स पे काम करने हैं तो आपको उसकी समझ चाहिए। तो मेरे ख्याल से बेसिकली यही दो तीन चीजें हैं जो आपको पक्का चाहिए। अब अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग ये हैं, अगर आपको ऑटोमेटिव में जाना है तो आपको थोड़ा उसका नॉलेज चाहिए, या आपको कोई अदर सेक्टर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है तो उसका, बट ये मतलब कुछ पक्का नहीं, ये ऑप्शनल है, मतलब ये आपको एक एडवांटेज देगा उसका नॉलेज। बट आपको सी और माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर थोड़ा बहुत आता है तो, थोड़ा बहुत नहीं अच्छे से आता है ऑफकोर्स, तो आपको आसानी होगी, ठीक है। तो आप इस बेसिस पे तैयारी करो और हो जाएगा सब अच्छे से। तो अब बात करते हैं यार, मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा है पिछले वीडियोज में, आप बताते नहीं हो सैलरीज कितनी मिलती है ये वो। तो देखो मैं जनरली सैलरीज में बिलीव तो नहीं करता, मतलब सैलरी तो चाहिए, बट यार इतनी वेरिंग है ना कि मैं क्या बताऊँ। हर कंपनी अलग सैलरी देती है, हर कंपनी का एक अलग पे स्केल होता है। तो जस्ट आपको फिगर्स ही जानने हैं तो देखो, एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियरिंग के लिए तो स्टार्ट होता है अराउंड 2.5-3 लाख से स्टार्ट होता है। अगर स्टार्टअप्स वगैरह हैं तो वो कुछ भी दे सकती हैं यार, फी में भी काम करवा लेती हैं बहुत भर, तो क्या बताऊँ आपको। तो स्टार्टअप्स वगैरह है तो कम देती हैं, बट अगर अच्छी कंपनीज हैं थोड़ी रेप्यूटेड तो फ्रेशर्स के लिए 7-8 लाख जाते हैं एम्बेडेड सिस्टम। उससे ज़्यादा जाते हुए नहीं देखा है मैंने, 10 लाख भी पकड़ सकते हो, बट 7-8 लाख तो जाते हैं एम्बेडेड सिस्टम के लिए। तो अब उसके आगे 20 लाख 25 लाख तक जा सकता है एक्सपीरियंस लेवल पे, ओके। तो यही है, सैलरी है इतना तो मिलता ही है, ठीक है। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।